Say hi to everyone. Hi, everyone. Hi, everyone. Kiss it to everyone. Doshi and Gabbana, Fendi and Manana. मेरी सामने वाली खिड़की में एक फिरंग लड़का रहता है। एक परफ्यूम का ही बजट है अगर आपका, तो गाइस प्लीज गो फॉर दिस परफ्यूम। इफ यू आर सेविंग मनी परफ्यूम्स के लिए साइड में रख रहे हो, तो फिर ये वाला परफ्यूम जरूर लेना। इट्स अमेजिंग गाइस। एंड पीछे मेरे हस्बैंड का मैसेज आ रहा है, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू टू। Hello everyone, this is Krishna Mukherjee and welcome back to my channel. So today I'm going to shoot something really different. Actually, a lot of people, they've been asking me about something and bahut sare log jo mujhe DM bhi kar rahe the and they wanted to see my perfume collection. Main bas ye bata deti hu ki how crazy I am for perfumes. So मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट पे वो परफ्यूम की शॉप देख लेती हूँ ना, बस आई हैव टू बाय सम परफ्यूम। आई एम गोना शो यू ऑल द परफ्यूम्स और उसमें से मैं आपको फाइव फेवरेट परफ्यूम्स भी बताऊंगी विच एवरीबडी शुड हैव। सो यस, आई एम गोना शो यू ऑल द परफ्यूम्स वन बाय वन एंड कैप्टन स्टॉप इट। No. Okay. Say hi to everyone. Hi everyone. Hi everyone. Kiss it to everyone. He troubles me so much. Okay. No more kisses. मैंने makeup किया हुआ। No more kisses. मैंने makeup किया। Please, please, please. Okay. Be a good boy and go sleep for some time. Ow. गीली पप्पी दी उसने मुझे अभी वैसे। सो आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास कितने परफ्यूम्स हैं। एक्चुअली मैंने कभी गिने ही नहीं हैं। सो एक्चुअली लेट्स काउंट कि मेरे पास पहले परफ्यूम्स है कितने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो आई हैव 46 परफ्यूम्स। आई डिडंट नो। नाउ आई एम गोना शो यू कि मेरे पास कौन कौन से परफ्यूम्स हैं। सो दिस इज गर्ला, मॉन गर्ला, and this is one of the best fragrances from Guerlain and this smells really really nice. This is Chauffard. A lot of people say Chauffard but it's not Chauffard or Chauffard, it's Chauffard. The D is silent and this is really nice. Actually mere friend ne mujhe suggest kiya tha, he only actually got it for me. Maine pata paise de di the, main kisi se perfumes nahi leti. Actually mere dimag mein hai ye, सुना है बचपन से कि अगर किसी को परफ्यूम, किसी से परफ्यूम लो या किसी को दो तो झगड़ा हो जाता है। पता नहीं ये सच है कि नहीं, बट एक है दिमाग में ये, तो मैं नहीं लेती। सो ये है चिराग का परफ्यूम। जैसे कि मैंने बताया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़कों का परफ्यूम है या लड़कियों का परफ्यूम है, मैं दोनों यूज़ करती हूँ। जो एक्चुअली लड़कों के जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्टे करते हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो, बट है, मुझे लगता है ऐसा है। सो यस, दिस इज़ फ्रॉम बर्बरी एंड दिस इज़ रियली नाइस। दिस परफ्यूम इज़ फ्रॉम जिवांशे। आई डोंट नो ऊपर जो लिखा है वो क्या बोलते हैं उसको, बट यस, दिस इज द परफ्यूम एंड दिस परफ्यूम इज ऑल्सो रियली नाइस। ये वाला और गर्ला जो दोनों परफ्यूम्स हैं वो मैंने एक साथ लिए थे एयरपोर्ट से। एंड कब लिए थे, आई थिंक जब मैं आमिर के साथ शूट करने गई थी तब। दिस परफ्यूम इज फ्रॉम शनेल एंड आई लव दिस परफ्यूम, दिस इज टू गुड। शनेल का एक और परफ्यूम है नंबर 5 का ही एंड दैट इज ऑल्सो रियली नाइस। मेरा नेक्स्ट जो मैं बाई करने वाली हूँ वही करूँगी एंड आई शो यू गाइज, डोंट वरी। दिस इज फ्रॉम गुची एंड दिस इज ब्लूम एक्वा दी फ्योरे, एक्वा दी फ्योरे एंड दिस परफ्यूम इज ऑल्सो रियली 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 नाइस, वेरी फ्रेश। यस, वेरी फ्रेश। तो कुछ लोगों को मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है परफ्यूम्स और कुछ लोगों को थोड़ी फ्लारी टाइप पसंद है। अगर आपको फ्लारी टाइप पसंद है तो दिस इज इट, दिस इज अ रियली नाइस परफ्यूम। सो दिस परफ्यूम इज कैरोलिना हरेरा एंड लुक एट द बॉटल, लुक एट द शेप ऑफ दिस बॉटल, इट इज सो सेक्सी, इट इज सो सैसी एंड आई थिंक आई डोंट रिमेंबर बाइंग दिस। येस, एक्चुअली समबडी गिफ्टेड दिस टू मी एंड एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैं गिफ्ट नहीं लेती हूँ या नहीं देती हूँ। अगर हाँ किसी ने दिया है, कोई दूर से लेके आया है, तो मैं मना नहीं करती हूँ, बट आई गेव दिस दैट पर्सन 100 bucks, 10 bucks, वट एवर यू कैन गिव। आप लोग ऐसा अगर नहीं सोचते तो मत सोचिए, मेरे दिमाग में ऐसा है तो मैं ऐसा करती हूँ। एनी वे आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ डज दिस, यू नो
स्मेल. ओह गॉड, दिस इज सो गुड. मैंने इतने टाइम से यूज क्यों नहीं किया. सो दिस इज रियली स्वीट, वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस. अगर आपको थोड़ा स्वीट टाइप में यू नो फ्रेग्रेंस पसंद है तो प्लीज बाय दिस वन. सो नेक्स्ट परफ्यूम इज यूनिक लग्जरी. सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही सजेस्टेड मी दिस परफ्यूम एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस परफ्यूम. सो मेरे पास इसकी एक बड़ी बॉटल थी एंड वो बॉटल किसी ने चुरा ली थी, लाइक समबडी स्टोल इट. कोई परफ्यूम कैसे चुरा सकता है. एंड आई लव दिस परफ्यूम सो मच दैट आई डिसाइडेड कि मैं ये परफ्यूम दोबारा लूंगी. एंड आई रिमेंबर दिस परफ्यूम वॉज रियली एक्सपेंसिव. फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग, रियली गुड. एंड ये इसका जो फ्रेग्रेंस है ये काफी देर तक स्टे करता है. सो यस, दिस इज इट. एंड मेरा जो एक फ्रेंड है राहुल, ही नोज सो मच अबाउट परफ्यूम्स दैट यू नो मैं जब मुझे कुछ भी कभी भी परफ्यूम लेना होता है तो आई ऑलवेज आस्क हिम. इंस्टाग्राम में इसका प्रोफाइल है राहुल शर्मा, डू चेक हिज प्रोफाइल. वो इतने अमेजिंग परफ्यूम सजेस्ट करता है ना. सो यू विल थैंक मी लेटर एंड थैंक मी राहुल शर्मा. सो नेक्स्ट इज दिस प्राडा. दिस परफ्यूम इज सो गुड. लाइक रैंडमली मी एंड माई सिस्टर वी वर इन गुड़गांव, रैंडमली हम एक स्टोर पे घुस गए और मतलब ऐसे कुछ चीज़ें देख रहे थे तो परफ्यूम के सेक्शन में जैसे ही गए और ये परफ्यूम दिखा एंड वी ट्राइड इट, वी बोथ बॉट इट. लाइक दोनों ने एक साथ ये परफ्यूम खरीदा. दिस परफ्यूम इज सो गुड. दिस इज वाई एस एल लिबरे एंड दिस इज सो गुड. मैंने जितनी बार भी इस परफ्यूम को वेयर किया है हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है. सो दिस इज सो गुड. दीज परफ्यूम्स आर लाइक यू नो दीज फ्रेग्रेंसेज आर लाइक थेरेपी टू मी. सो यस, Ferragamo, this perfume. And actually ये perfume भी मैंने नहीं खरीदा था. I wanted to buy this perfume, मेरी नज़र थी इस perfume में. So जब भी मैंने सोचा था कि मैं perfume लूँगी मुझे किसी ने दे दिया था. So maybe I manifested it. So this perfume is really good. This was given by one of my friend Anshu. वो US में रहती है. So she bought this for me. And this is really nice. So this little cute bottle is one of the best perfumes जो मेरे पास है. This is from Valentino and look at the bottle. It is so cute. मैंने literally इसे खोलते ना कि फूक फूक के use किया है. मैं बहुत कम use करती हूँ इसे. अभी भी I think इतना सा ही है, if you can see इतना पड़ा है और मेरा बिल्कुल भी use करने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे मैं काफ़ी बार बहुत सारे stores पे गई हूँ पर ये मुझे कभी भी कहीं से मिला नहीं है. So yes, मैं इसे बहुत ज़्यादा कम use करती हूँ. Now this is from Tom Ford. ये मैंने चिराग को gift किया था, मैंने उसे पैसे ले लिए थे guys, don't worry. तो ये मैंने उसे ले लिया था. And this is from Tom Ford Black Orchid. And the fragrance is माइंड ब्लोइंग. एंड मैं भी इसे यूज कर लेती हूँ. आई नो नहीं करना चाहिए लड़कों के परफ्यूम यूज, बट हू केयर्स. आई लव इट. कोच एक्चुअली शूट के टाइम पे मैं ये जो परफ्यूम की बॉटल्स है ये यूज करी थी. देन वन ऑफ माई फ्रेंड राहुल सजेस्टेड मी देन दैट यू नो डोंट वेस्ट दिस परफ्यूम्स. शूट पे 10-12 मुझे यूज करना होता है क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टू यू नो स्मेल गुड. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझसे स्मेल आ रही हो या कुछ भी ऐसे, मतलब लिटरली नहा के भी मैं रात को सोती हूँ ना जब, मैं तभी परफ्यूम लगा के सोती हूँ. सो ही टोल्ड मी टू यूज़ दिस वन शूट के टाइम पे. इट्स अ बिग 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 बॉटल और ये अभी यहाँ तक ही ख़त्म हुई है तो मैं शूट पे यूज़ कर रही थी एंड मेरा शो एब्रप्टली बंद हो गया गाइस. सो पड़ा हुआ है अभी 1 million फ्रॉम पैकरबाने. ये मेरा बहुत ही पुराना परफ्यूम है और कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं ना जिससे बहुत ही यू नो लगाव होता है आपको. तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे तो मैंने उस टाइम पे लिया था. ये इतना पड़ा हुआ है अभी पर कभी लगाने का मन ही नहीं करता कि मतलब दैट टाइम इतनी मतलब वो नहीं थी कि परफ्यूम्स बड़ा सोच समझ के लेती थी कि लूँ कि नहीं लूँ. तो ये मेरा बहुत पुराना परफ्यूम है तो मेरा ये अभी इतना पड़ा हुआ है तो मैं इसको कम लगाती हूँ. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स फ्रॉम पैको रबाने, 1 million. इट इज़ अमेजिंग. दिस इज़ फ्रॉम बल्गारी रोज Goldia, Rose Goldia from Bulgari, and this is also like really nice. मुझे actually मेरे पास बहुत कम मतलब रोजी और फ्लारी जो फ्रेग्रेंस होते हैं वैसे परफ्यूम्स बहुत कम हैं. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये वाला परफ्यूम ज़रूर लेना एंड आई बॉट दिस
एंड दिस स्मेल्स लाइक रोज. ये जो एक परफ्यूम है ये क्यों पड़ा है मुझे नहीं पता. लिटरली इसमें दो तीन स्प्रे बाकी हैं बट दिस इज मॉडर्न मूव्स फ्रॉम एस्टी लॉडर. परफ्यूम अगर नहीं लेना है, कोई भी नहीं लेना है, बस एक परफ्यूम लेना है, एक परफ्यूम का ही बजट है अगर आपका, तो गाइस प्लीज गो फॉर दिस परफ्यूम मॉडर्न मूव्स फ्रॉम एस्टी लॉडर. मतलब मुझे परफ्यूम इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने इसकी खाली बॉटल रखी, वो भी इसमें आई थिंक हार्डली दो स्प्रे होंगे, पर मैंने इसको रखा हुआ है. आई नीड टू बाई द अनदर वन, भूल गई मैं, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी. सो दीज परफ्यूम्स आर लाइक माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू देम. सो ट्रस्ट मी, इसकी जो खुशबू है अगर आप लगा के जाओगे तो डेफिनेटली 10 लोग आपको पूछेंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है. सो दिस परफ्यूम आई ऑर्डर फ्रॉम ड्रिप डोम, जो कि अली का ब्रांड है, अली गोनी हमारे दोस्त का ब्रांड है. एंड दिस परफ्यूम इज रियली 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 नाइस. इट इज़ वेरी स्ट्रांग. एंड पीछे मेरे हस्बैंड का मैसेज आ रहा है, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू टू. सो दिस इज टोबैको वेनीला. मुझे वेनीला जो है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, और टोबैको जो है वो थोड़ी स्ट्रांग है और वेनीला जो है थोड़ा सॉफ्ट है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ रियली नाइस. एंड दिस परफ्यूम इज़ अ मस्ट हैव. दोल्शे गबाना. सो दिस इज़ दोल्शे गबाना, ये चिराग का है. एंड एज आई टोल्ड यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी यूज़ करती हूँ. एंड दिस परफ्यूम इज़ ऑल्सो रियली नाइस. If you want to gift your boyfriend, your husband, or anyone, your friend, so please gift this perfume because this is really nice. So this perfume is one of my favorite perfume. I was not supposed to say that right now. बाद में मुझे बोलना था, but it's okay. मैंने बोल दिया. So this perfume is from Chloe Nomad, and I am madly in love with this perfume. Oh my god, the fragrance is so amazing. I wish मैं मतलब एक स्प्रे करके आप लोगों को दिखा देती व्लॉग्स से कि मतलब इसकी खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी है. But this perfume is a must have perfume. Like this is really strong and really amazing perfume. I love this bottle. ये मेरी तीसरी बॉटल है. This perfume is from Marc Jacobs Decadence. If you can see. Look at the bottle. I love the shape of this bottle and I love the fragrance. Like I told you guys, this is my third bottle and the fragrance is so good. Like it takes you to the heaven, I guess. If you're saving money, perfumes ke liye side mein rakh rahe ho, to fir ye wala perfume zarur lena from Marc Jacobs. It's amazing, guys. So this perfume is from Victor and Rolf Flower Bomb. एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था ये परफ्यूम लेने के लिए, एंड लिटरली नेक्स्ट डे ओनली आई वेंट आउट एंड बॉट दिस परफ्यूम, लाइक लिटरली नेक्स्ट डे. सो यू कैन सी कि हाउ क्रेजी आई एम फॉर परफ्यूम्स. एंड शी ऑल्सो सजेस्टेड मी टू मिक्स दिस परफ्यूम विद दिस परफ्यूम फ्रॉम डियोर. एंड इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो पता नहीं एक अजीब सी, एक अमेजिंग सी जो फ्रेग्रेंस है वो आती है. सो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि दो तीन परफ्यूम्स आप मिक्स करो ना तो फ्रेग्रेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सो यस, दिस इज़ विक्टर, दिस इज़ फ्लावर बॉम फ्रॉम विक्टर एंड रॉल्फ, एंड दिस इज़ फ्रॉम डियोर. सो दिस इज़ फ्रॉम बर्बरी हीरो. And this perfume is really, really nice. Again, I'm saying कि अगर आपको अपने husband को, boyfriend को, किसी को भी gift करना हो, so do gift this perfume. This is from Miss Dior, Blooming Bouquet, and this is also very sweet, very light. This is really good. मतलब रात को किसी आपने event पे जाना है तो you can just wear this. So this perfume also has a story. सो शिरीन एक्चुअली एक बार मेरे घर पे आई थी एंड शी वॉज वेयरिंग दिस परफ्यूम. द मोमेंट आई ओपन द डोर ना, वो एकदम से वो जो खुशबू आई ना, आई वॉज लाइक वॉट आर यू वेयरिंग. लाइक मैंने उसे हग नहीं किया, मैंने उसे हाई नहीं बोला, कुछ नहीं, मैंने बस यही बोला कि विच परफ्यूम, वॉट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, एंड शी टोल्ड मी दिस डायला टर्कोइज फ्रॉम वर्साशे. आई रियली लाइक द बॉटल, इट्स रियली रियली नाइस, एंड लाइक द कलर ऑल्सो लाइक टर्कोइज. So this perfume I got it from, I think when I was coming back from Seychelles from a honeymoon, तो वहाँ से मैं ये परफ्यूम लेके आई थी एयरपोर्ट से. एंड दिस परफ्यूम इज अगेन, इट्स टू गुड.
तो मैंने ये परफ्यूम अपने लिस्ट में डाला हुआ था. मैं एक्चुअली इनकी पिक्चर्स क्लिक करके फेवरेट में डाल देती हूँ कि नेक्स्ट परफ्यूम कौन सा लेना है. एंड मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी कि विच परफ्यूम्स यू शुड बाय. तो ये वाला परफ्यूम जो था लड़कियों को हमेशा मतलब कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि दिस इज़ अ मस्ट हैव परफ्यूम. And this is also a really really nice perfume. This is from Valentino. This I got from Bangkok. जब मैं Jasmine के साथ Bangkok गई थी, वहाँ से जब वापस आई थी तब मैंने लिया था. Maison, which is house, which means house. Maison Marhella. ऐसी सांस बंद हो गई Marhella बोलते बोलते. So this is in English Maison Marhella from Replica. ये मुझे एग्जाम में आ गया ना तो फेल हो जाऊंगी एकदम. बट दिस परफ्यूम इज ऑल्सो रियली नाइस. दिस ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम बैंकॉक जब मैं अपनी बैचलरेट के लिए गई थी. गाइस एटिक्यूट है मसाया परफ्यूम. मसाया परफ्यूम जो है वो मैंने दुबई से लिया था. सो दुबई मॉल में वो ओपन में कुछ वो होते हैं परफ्यूम शॉप्स होते हैं जो स्टोर्स के बाहर होते हैं. सो वहाँ पे एक लड़का था उस टाइम पे. आई डोंट नो इफ आई वाज सीइंग चिराग और नॉट, बट देयर वाज वन वेरी गुड लुकिंग गाय हु सेड कि प्लीज कैन यू बाय, डू यू वांट टू बाय सम परफ्यूम्स, यू नो यू आर स्मेलिंग सो गुड, सो दिस विल यू विल डेफिनेटली लाइक दिस परफ्यूम. सो इतना सुंदर लड़का था तो मैं मना ही नहीं कर पाई. तो उसने मुझे दो परफ्यूम्स जो है वो चेक दिए थे. बट दिस परफ्यूम इज रियली नाइस, वेरी ऊद टाइप. जो ऊद वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वैसा है, बहुत स्ट्रांग है ये परफ्यूम. और जो दूसरा परफ्यूम उसने मुझे चेपा था वो ये है वाइट लेदर पेरिस मैजिक परफ्यूम. सो ये भी उसने मुझे चेपा था. सुंदरपन का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और उस लड़के ने भी वही किया, अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठा के मुझे दो परफ्यूम्स चेप दिए. बट आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस, मतलब उससे ज़्यादा मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है. इट इज़ ऑल्सो वेरी ऊद है पर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एंड दिस इज़ रियली नाइस. और मेरी खिड़की के सामने एक फिरंग लड़का जो है वो मुझे कब से देख रहा है. मेरी सामने वाली खिड़की में एक फिरंग लड़का रहता है. बेचारा कब से देख रही है, क्या कंटेंट बना रही है. फॉलो मी ऑन यूट्यूब कृष्णा मुखर्जी, सब्सक्राइब माई चैनल. वी फ्रॉम पैको रबाने. एंड ये जो है ये चिराग का परफ्यूम है और मैं इतना यूज नहीं करती हूँ, मैंने एक्चुअली इतना यूज कभी किया नहीं है. लेट मी जस्ट ट्राई, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. YSL का है ब्लैक ओपियम Saint Laurent. And this is also a very old perfume, one of the old perfumes. और ये इतना सा परफ्यूम पड़ा है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, बचा बचा के रखती हूँ मैं. This was one of the must have perfumes for girls. So this perfume is from Dolce & Gabbana. This is really nice, very fresh. मैं जब भी ये परफ्यूम लगाती हूँ आई इमेजिन द सी, यू स्मेल द सी. आई नो देयर इज नो स्मेल ऑफ द सी बट समथिंग रिलेटेड टू द सी. इट्स वेरी सॉल्टी, वेरी रिफ्रेशिंग. दिस इज फ्रॉम कैल्विन क्लाइन इटर्निटी. ये मुझे ओके लगता है. बस मैंने शूट के लिए लिया था तब मुझे पसंद आया था, पर बाद में मुझे इतना पसंद नहीं आया. सो यस, सो दिस परफ्यूम इज फ्रॉम इसमिया के. दिस इज रोज एंड रोज, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ वेरी रोजी. ये राहुल शर्मा जो मेरा फ्रेंड है, ही गेव मी दिस परफ्यूम. एक्चुअली उसने दिया नहीं है, मैंने उससे ही परफ्यूम बनवाया है गाइस. सो ही नो समबडी जो परफ्यूम्स बनवाते हैं एंड उसने दो तीन परफ्यूम्स को मिक्स करके ये परफ्यूम एक बनाया है. एंड आई डोंट नो ये कौन सा परफ्यूम है इसने बनवाया है. सो मैं लिटरली बता नहीं सकती कि कौन सा परफ्यूम है. ये मेरा बॉम्बे आने के बाद का पहला परफ्यूम था. एंड उस टाइम पे इतनी मेरी कोई यू नो अर्निंग्स नहीं थी, बहुत नई नई आई थी. थोड़े बहुत शोज़ मिल जाते थे, शोज़ इन द सेंस कि मतलब नॉट डेली सो बट एपिसोडिक्स मिल जाते थे. उसमें से जो मेरे को मेरी फर्स्ट जो सैलरी मिली थी ना, उसमें से मैंने ये वाला परफ्यूम लिया था 212 VIP रोज. एंड बॉटल एकदम आई डोंट नो इफ यू कैन सी ख़राब हो चुकी है और इसमें दो स्प्रे बाकी है. बट इमोशनली आई एम सो कनेक्टेड टू दिस परफ्यूम कि मेरा इसको फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता. ख़त्म भी हो गया तो भी नहीं फेंकूंगी. दिस परफ्यूम इज़ नॉट माइन, ये डेविडॉफ का कूल वाटर है वुमेन. पता नहीं मेरी सिस्टर का होगा शायद, वो यहाँ पे भूल गई है.
But yeah, I have this perfume with me. Rupa, if it's your perfume, so I don't know. I'm sorry, it's with me. But मैंने लिया नहीं है. Anyway, इसका perfume का fragrance check करते हैं कैसा है. इसकी fragrance थोड़ी सी वैसे वो aftershave जो use करते हैं ना लड़के. Not exactly like that, but little bit of that वैसा कुछ है. But it's nice. This is from Bath and Body Works. After Dark. Again, ये लड़कों का perfume है. Sorry, deodorant है ये. And the best thing is you can literally lock it. आप इसको lock कर सकते हो. So this is a miniature of some perfume. I don't know. It's not mentioned here. या फिर मुझे दिख नहीं रहा है. मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ पे है. So ये जो miniatures होते हैं perfumes के, ये हमेशा अपने पास रखने चाहिए दो तीन, क्योंकि there are few bags. आप किसी शादी में जाते हो, वो छोटे से क्लच आते हैं, वो सिर्फ नाम के पर्स होते हैं, उसमें जाता कुछ भी नहीं है. लिपस्टिक तक नहीं जाती है. नहीं, लिपस्टिक तो चली जाती है. सो यू कैन कीप दीज मिनिएचर्स, क्योंकि यू डांस अ लॉट एंड देन यू एंड अप यू नो स्वेटिंग एंड यू डोंट वांट टू स्टिंक, राइट? यू आर लाइक यू लुकिंग सो प्रिटी एंड यू डोंट वांट टू स्टिंक. सो दीज टू आर फ्रॉम ज़ारा एंड दोनों की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो आई कीप दीज काइंड ऑफ मिनिएचर्स विद मी. सो देयर इज वन परफ्यूम जो मैं मोस्टली नहाने के बाद या सोने से पहले यूज करती हूँ. आई नो इट इज वियर्ड, बट मैं सोने से पहले हमेशा परफ्यूम लगा के सोती हूँ. आई डोंट नो, मेरी आदत है एंड आई ऑलवेज लाइक टू स्मेल गुड. सो ये जो परफ्यूम है, दिस इज फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल सैंडलवुड. एंड फॉरेस्ट एसेंशियल के दो तीन जो मिस्ट हैं, इट्स नॉट अ परफ्यूम, इट्स अ मिस्ट, जो दो तीन और मिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. वन इज मोगरा एंड वन इज रोज. सो बट आई लाइक द सैंडलवुड. दिस इज रियली 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 गुड. इसको लगा के यू फील वेरी, यू नो, यू फील अवेकन्ड. आप ऐसा लगता है कि अवेकनिंग हो गई है आपकी. यू फील सो स्पिरिचुअल एंड ऑल. वो वाली जो फीलिंग आती है ये लगा के, बिकॉज इट इज सैंडलवुड गाइज. सो गाइज, दिस परफ्यूम इज फ्रॉम सोल द जनेरियो. एंड आई रिमेंबर वेन आई वॉज गोइंग टू बैंगलोर फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, एंड वहाँ पे मुझे रास्ते में, मतलब रास्ते में क्या, एयरपोर्ट पे ये परफ्यूम दिख गया. एंड दे वर लाइक, ओह दिस इज रियली नाइस, यू शुड डेफिनेटली बाय इट. तो मैं नहाने के बाद या फिर वो लगाती हूँ या फिर ये लगाती हूँ. आई बॉट दिस परफ्यूम फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट शिमर फ्रेग्रेंस मिस्ट. सो इट हैज शिमर ऑल्सो एंड दिस इज पिंक सिडक्शन शिमर. So yes, this perfume is really nice and you want shimmery. तो I think Bath and Body Works में भी है. अब तो इंडिया में विक्टोरिया सीक्रेट है. सो अगर आपको विक्टोरिया सीक्रेट से नहीं लेना है तो Bath and Body Works में भी सेम परफ्यूम है. सो दिस परफ्यूम इज फ्रॉम Paco Rabanne लेडी मिलियन. तो वो जो दूसरा वाला था, जो 1 million जो था Paco Rabanne का, जो मेरा पहला परफ्यूम, नॉट पहला बट या बहुत पहले जो मैंने लिया था ओल्ड परफ्यूम, दैट इज फॉर गाइज एंड दिस इज फॉर लेडीज. सो द बेस्ट थिंग इज दिस इज सो हैंडी एंड ऑफकोर्स द फ्रेग्रेंस. द फ्रेग्रेंस इज रियली 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 नाइस. दिस इज फ्रॉम बल्गारी एंड लाइक आई टोल्ड यू गाइज कि मैंने अपने लिए जो छोटे छोटे मिनिएचर्स मैं हमेशा रखती हूँ अपने पर्स में रखने के लिए, ये एक्चुअली चिराग का है. This is really cute. This is like cute. So it doesn't have a spray. इसको ऐसे खोलना पड़ता है and you literally have to use it like this. So this is it guys. This was my perfume collection. I hope you guys like the video. So next vlog I'm thinking of making a video where I will show you guys my lipstick collection. I am really excited for this one. Are you? I know. I told you guys कि मैं अपने 5 जो favorite perfumes मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको shorts में बताऊंगी. मेरा short देखना और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन सब में से मेरे 5 favorite perfumes कौन से हैं. I hope you guys like the video. अगर आपको video पसंद आया हो so please hit the like button, do subscribe my channel, share it with your friends and बहुत सारा प्यार दो यार. मैं बस प्यार की भूखी हूँ. नहीं, पैसों की भी हूँ थोड़ी सी. जस्ट किडिंग, हाँ हूँ. एनीवे, अगर आप कुछ भी ऐसा कंटेंट चाहते हो कि मैं शूट करूँ सो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट व्लॉग मैं क्या शूट करूँ. लव यू ऑल, बाय.